हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो ये राजस्थान जी की सीरीज टेस्ट नंबर आज का है 33। आपको पता है ये सीरीज कौन सी है? ऐसे क्वेश्चनों की सीरीज है जो आपके एग्जाम में बार बार जो रिपीट होते हैं, सुपर फास्ट सीरीज, यानी आपको मात्र 10 से 12 मिनट का टाइम मिलता है और टॉप 60% के आपको आंसर देने होते हैं। टारगेट हमेशा हम रखते हैं कि कम से कम आपको 45 से सही करने हैं, लेकिन जितने भी सही कर सकते हो कमेंट करके बता देना। और PDF लेना चाहो तो टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका लिंक है प्रहलाद आंसर के नाम से, राइट। तो फटाफट एक बार सारे के सारे लाइक कर दो अगर नहीं किया है तो, और फिर करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए, पहला प्रश्न, राजस्थान के किस लोकवाद्य को ज्यू हार्प के नाम से भी जाना जाता है? सन 2018 में क्वेश्चन आया था। ज्यू हार्प कहते हैं मोरचंग वाद्य यंत्र को, और याद रखना सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे छोटा वाद्य यंत्र होता है मोरचंग, इसी को कहते हैं ज्यू हार्प कहते हैं। एक वाद्य यंत्र टामक, ये सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। आप बताओ राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, कमेंट करके बता दो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है। गरासिया जनजाति में किए जाने वाले किस नृत्य को वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता? एक नृत्य होते हैं जिसमें वाद्य यंत्र यूज नहीं करते और वालर नृत्य होता है, गरासियों का घूमर कहलाता है, ठीक है, बिना वाद्य यंत्र के धीमी गति से होता है। और एक और याद रखना, एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा नृत्य जो एक हाथ में तलवार लेकर और एक हाथ में छाता लेकर किया जाता है, तो वालर नृत्य ही किया जाता है गरासियों का। इसके अलावा और नृत्य अगर आपको याद रखना है तो लूर नृत्य है, कूद नृत्य है, मादल नृत्य है, जवारा नृत्य होता है, एक मोरिय नृत्य होता है, ठीक है, तो सारे याद रखो। चलिए, सही जोड़ा करना है, अलग अलग नृत्य है और सामने जनजातियां दे रखी है कि कौन सा नृत्य किस जनजाति के। नेजा नृत्य जो होता है भील और मीना दूजर का, दोनों ही करते हैं एक्चुअल में, एक खेल नृत्य होता है, याद रखना, ठीक है, कि कौन सा इनमें से खेल नृत्य है। इंडोली नृत्य जो है कालबीलियों का होता है, इसके अलावा कालबीलियों में इडोनी के अलावा पणिहारी नृत्य होता है, ठीक है। और कौन सा होता है? बागड़िया नृत्य होता है जो कालबीलिया महिलाएं भीख मांगते तय प्रकृति है, ठीक है, तो इडोनी हो गया है, कालबीलिया नृत्य है, पणियारी है, बागड़िया है। इसके अलावा एक संकरिया नृत्य भी होता है, तो ये सारे संकरिया नृत्य, ये कालबीलियों के नृत्य हैं। तेरह ताली नृत्य जो है कांवड़ जाति की महिलाएं करती है, रामदेव जी के मेले में किया जाता है ये, और वाला नृत्य गराशियों का है। तो 1, 2, 4, 3 पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में बहुरूपिया कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान किसने दिलाई थी, यानी अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले कौन थे? तो बहुरूपिया कला में जानकी लाल भांड, तो राइट आंसर आपका एक है। शाहपुरा में जिस संप्रदाय की मुख्य पीठ है वो तो शाहपुरा भीलवाड़ा में है, यहां पर राम सनी संप्रदाय की मुख्य पीठ है, और इसकी शुरुआत जो की थी वो किसने की थी? रामचरण जी ने की थी। और याद रखना यहां पर एक उत्सव है फोडोल उत्सव होता है, कहां पर होता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में होता है। और यहां पर इस संप्रदाय में गुरु का जहां पर चित्र रखा जाता है ना, उससे क्या कहते हैं? राम द्वारा कहते हैं। फिर पूछेंगे टोटल कितने राम द्वारा है राजस्थान में? 4 है, एक है शाहपुरा भीलवाड़ा में, दूसरा सिंहथल बीकानेर में, तीसरा रीण नागौर में, और चौथा होता है खेड़पा जोधपुर में। और यह आया हुआ कि चौथा राम द्वारा कौन सा है, क्वेश्चन आया था खेड़पा, याद रखना। संत धनाजी का संबंध है राजस्थान के कौन सी जिले से? टोंक से रहे हैं, एक सही है। अच्छा, नागौर में किस सूफी संत की मजार बनी हुई है? सारे के सारे आप जानते हो, ठीक है, एक गांव है सुचाल गांव, जहां पर रहकर उन्होंने जो है शांतिपूर्वक प्रचार प्रसार किया था, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, जिन्हें क्या कहते हैं? सन्यासियों का सुल्तान कहते हैं। अच्छा, आप बता दो मुझे कि शेख हमीदुद्दीन नागौरी जी जो है इनको सन्यासियों का सुल्तान कहा किसने था, कॉमेंट करना। संबराथल दौरा है ये, ठीक है, संबराथल नहीं, संबराथल धोक दौरा है ये। अच्छा, ये कहां पर है? तो बीकानेर में है, संबराथल धोक दौरा है, जहां पर बिश्नोई संप्रदाय की नींव रखी गई थी। बिश्नोई संप्रदाय किसने चलाया था? जाम्बोजी ने, हालांकि जाम्बोजी की मुख्य पीठ जो है वो मुकाम तालवा है, और राइट आंसर का 2 है। सम्मिलित करना है, अलग अलग संप्रदाय हैं राजस्थान की और उनकी मुख्य पीठ कहाँ कहाँ पर बनी हुई है, इनका अलग अलग क्वेश्चन भी आता है। जैसे गुद्दर संप्रदाय का क्वेश्चन आया है कि गुद्दर संप्रदाय की पीठ कहाँ पर है, तो दांतरा भीलवाड़ा में, तो पहले में आना चाहिए आपका 2। नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ जोधपुर में है, तो फिर 1 कर दीजिए। और चंदासी संप्रदाय आप जानते हैं मुख्य पीठ दिल्ली में है, राजस्थान में कहीं तो मेवात वाले क्षेत्र में, तो 3 आएगा। अलकिया संप्रदाय जो है वो बीकानेर का है, तो 4 आएगा, तो 2, 1, 3, 4 दूसरा ऑप्शन सही है, 2, 1, 3, 4। चलिए, एक और बताना है कि सुमेलित करना है आपको, शेख हमीदुद्दीन मीठे महाबली जो है इनका संबंध कहाँ से है, तो कौन सा जोड़ा आपको इनमें से सही लग रहा है? पढ़ो तो जयपुर में, जयपुर में आएगा कि क्या आएगा? गागरौन में। मीठे शाह की दरगाह कहां पर बनी हुई है? बहुत बार क्यों सुना था ना, मीठे शाह की दरगाह कहां पर बनी हुई है? गागरौन की दुर्ग में, तो पहले में आना चाहिए आपका 2। मौलाना जियादीन जी जो है इनका संबंध है वो जयपुर से है,
तो फिर आना चाहिए एक शेख नजमुद्दीन जी जो हैं इनका संबंध फतेहपुर से है तो फिर कर दीजिए चार, और शेख बाबा इसहाक जो है इनका संबंध खाटू से है तो फिर कर तीन, दो एक चार तीन, कौन सा ऑप्शन है, दो एक चार तीन पहला ऑप्शन आपका सही है। गांव गांव खेजरी गांव गांव गोगा कहावत जो है वो जिस संत का संबोधन है वो किस लिए सीधे कि गोगू जी महाराज के बारे में है। गोगू जी का जन्म आप जानते हैं ददरेवा चूरू में हुआ था, ददरेवा चूरू में हुआ था, राइट आंसर भी है। प्रसिद्ध मेला गोगा मेड़ी का हनुमानगढ़ बढ़ता है। आप बता दो गोगा जी की ओल्डी कहां पर है, कॉमेंट करो जरा किसको याद है गोगा जी की ओल्डी कहां है। बूरिया बाबा आराध्य देव माने जाते हैं किन के, बूरिया बाबा जो है वो किन के आराध्य देव, मीनाओं के, कौन से गोड़वान मीनाओं के, राइट आंसर एक है। भारतीय डाक विभाग के द्वारा किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी की गई थी, तो देवनारायण जी की फड़ पर की गई थी, राइट आंसर। अच्छा देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था, कमेंट करो। किस तीर्थ स्थल को गलियाकोट जो है वो किस नदी के, गलियाकोट जो है वो किस नदी के किनारे पर आता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, माही नदी के किनारे पर, रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। शिखर ठिकाने और शिखर वाटी जाट पंचायत में 1935 में किसके प्रयासों से समझौता हुआ था, तो यहाँ पर जो समझौता हुआ था वो कैप्टन वेब के प्रयासों से, याद रखना ये नाम बहुत बार रिपीट हुआ है। डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी, 1944 में यहाँ पर प्रजामंडल बनता है, किसी भोगीलाल पांड्या जी की अध्यक्षता में, भोगीलाल पांडे जी को क्या कहते हैं, बागड़ का गांधी कहते हैं। संग्राम नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, किसने किया था ये, तो एक किसके द्वारा किया गया था, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जी ने, राइट आंसर एक है। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोक नायक की उपाधि जो है वो किसको मिली थी, लोक नायक की उपाधि किसे दी गई थी, जय नारायण व्यास जी को, भी सही है। जयपुर रियासत में समझौता हुआ था जेंटलमेंट अग्रीमेंट 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बाद, उसी के दौरान में किन किन के बीच में हुआ था, हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल जी के बीच में हुआ था, राइट आंसर आपका बी है कि भारत छोड़ो आंदोलन भाग नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम है बाबा हरिश्चंद्र जी, ये इस बात से नाराज हो जाते हैं और एक अलग संस्था की स्थापना करते हैं जयपुर में, कौन सी संस्था की स्थापना की थी, कमेंट करो। जयपुर पंचमंडल की भारत छोड़ो आंदोलन में निष्क्रिय भूमिका होने पर बाबा हरिश्चंद्र, रामकण जोशी जी, दौलतमल भंडारी आदि कार्यकर्ताओं ने किस संगठन की स्थापना की थी, यही क्वेश्चन था, तो मैंने पूछा था आजाद मोर्चा, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आजाद मोर्चा कहां पर, जयपुर में। संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर के प्रतिनिधि कौन थे, संविधान सभा में जो गए थे, संविधान निर्माण करने वाली सभा थी, उसमें बीकानेर से कौन गए थे, के एम पन्नीकर जी। तसीमो गांव की घटना है जो कि अप्रैल 1947 में घटित हुई थी, कि तिरंगे झंडे की रक्षा के लिए दो व्यक्ति शहीद हुए थे, छत्तर सिंह जी और पंचम सिंह जी। तो तसीमो कांड की घटना घटित हुई कहां पर थी, धौलपुर में, याद रखना। तीन क्वेश्चन, तसीमो कांड कहां पर हुआ था, धौलपुर में, कब हुआ था, अप्रैल 1947 में। यहां पर पूछेंगे छत्तर सिंह जी और पंचम सिंह जी का संबंध किस घटना से था, तसीमो कांड की घटना से। मेयो कॉलेज बम केस किससे संबंधित है, तो ज्वाला प्रसाद जी शर्मा जी से, राइट आंसर डी है। किस क्रांतिकारी की इच्छा थी कि उसे मृत्यु के उपरांत जलाया ना जाए बल्कि दफना दिया जाए, कौन थे, अर्जुन लाल सीटी जी। कहां से थे वैसे, जयपुर से। किसकी स्थापना की थी, वर्धमान विद्यालय की स्थापना, आप बताओ ये वर्धमान विद्यालय की स्थापना कब की थी। 26 जनवरी 1930 को चूरू के धर्मस्तूप पर तिरंगा झंडा फहराने वाले क्रांतिकारी कौन थे, तो गोपाल दास जी थे और चंद्रमल बैठ जी दोनों ही थे, तो एक और बी दोनों सही है। राजपूताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की थी, रामनारायण चौधरी जी ने, सी सही है। अच्छा गंगा रिसाला क्या भी, एक ऊंट की सेना की टुकड़ी है, महाराजा गंगा सिंह जी ने बनाई थी सैन्य टुकड़ी ऊंटों की, राइट आंसर सी है। हाड़ौती के क्रांतिकारी पंडित नेनूराम शर्मा जी का समाधि स्थल बताना है, तो पंडित नेनूराम शर्मा जी का समाधि स्थल बना हुआ है नीमाणा में, याद रखना। क्या क्या किया था, कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी, हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना की थी और बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसे ब्रड किसान आंदोलन भी कहते हैं। 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ होने के पश्चात राजस्थान में प्रथम सत्याग्रह कौन बने थे, नमक सत्याग्रह के बाद में पहले सत्याग्रही जो बने थे वो नित्यानंद सागर जी बने थे, नगर जी, सॉरी एक आपका सही है। नरेंद्र मंडल के पहले चांसलर कौन थे, 1921 में बने थे, और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी को पहला चांसलर बनाया गया था 21 से 25 तक। जीवन कुटीर नामक रचनात्मक संस्था की स्थापना किसने की थी, हीरालाल शास्त्री जी, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी सही है। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र एक पुस्तक का नाम है और प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो एक गीत का नाम है, किसने लिखा था, हीरालाल शास्त्री जी का है।
लावा एक ठिकाना है जो राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया में किस रियासत में मिला था? पहले टोंक में हुआ करता था, लेकिन ये जयपुर में मिलाया गया था चौथे चरण में 30 मार्च 1949 को, याद रखना। राइट आंसर एक है। राजस्थान की कौन सी रियासत पृथक अस्तित्व बनाए रखने की दोनों शर्तें, न्यूनतम 10 लाख की आबादी और कम से कम 1 करोड़ की वार्षिक आय को पूरा करती थी? एक्चुअल में बात क्या, देखो ये रखा गया था कि अगर कोई ऐसी रियासत है जिसकी 10 लाख तो जनसंख्या है और 1 करोड़ जो है उसकी आमदनी है, वार्षिक राय है, तो वो रियासत चाहे तो अलग रह सकती है, यानी भारत पाकिस्तान के साथ ना मिले तो अलग रहना चाहे तो रह सकती है। शर्त थी, ऐसी शर्त पूरा करने वाली राजस्थान में कितनी रियासतें थी? ये शर्त पूरा करने वाली राजस्थान की 4 रियासतें थी। कौन कौन सी थी? उदयपुर थी, जोधपुर थी, ठीक है, जयपुर थी और बीकानेर थी। वही चारों ऑप्शन में, उदयपुर जोधपुर, जयपुर उदयपुर, जोधपुर जयपुर बीकानेर, तो चारों होगी, सारी हो जाएगा, चारों रियासतें थी। 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहित राजस्थान के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? चौथे चरण की बात है, ये हीरा लाल शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। राजस्थान के एकीकरण के तहत सबसे अंतिम समय में सम्मिलित होने वाला क्षेत्र कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा, 1 नवंबर 1956 को सातवें एकीकरण के चरण में शामिल हुए थे। राजस्थान में इन सेफ्टी सोर्स मिट्टी है वो कहां कहां पाई जाती है? नई वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर 5 प्रकार की मिट्टियां राजस्थान में है, तो इन सेफ्टी सोर्स है सिरोही पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में। सी सही है। राजसमंद में एक जगह सिंदेसर खुर्द, यह किसकी खान है? किस खनिज का उत्पादन होता है? सीसा जस्ता का होता है, याद रखना, ठीक है, ये बहुत बार आता है। सीसा जस्ता का खनन क्षेत्र सिंदेसर खुर्द कहां पर है? राजसमंद में है। लोरी कीट पक्षी जो है वो कौन से अभ्यारण में होता है? ये सीतामाता अभ्यारण में है। सीतामाता अभ्यारण यहाँ पर प्रतापगढ़ में और चित्तौड़गढ़ में इसका विस्तार है, 423 किलोमीटर इसका एरिया आता है। किस किस के लिए प्रसिद्ध? अभी उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, चीतल की मातृभूमि के लिए प्रसिद्ध है, सागवान के वन के लिए प्रसिद्ध है, लवकुश झरना यहाँ पर है, सीतामाता का मंदिर है यहाँ पर, औषधि के लिए है, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है और लोरी कीट पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। अरावलीपुरा श्रेणी में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण स्थित नहीं है? जम्मू रामगढ़, माउंट आबू, रणथंभौर या माउंट आबू अभ्यारण, तो कौन सा नहीं आता? बहुत आसान सा है, रणथंभौर वाला जो है राइट आंसर आपका सी है, ठीक है। अगला है कि चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी किस प्रकार की है? चंबल बेसिन में और माही बेसिन में जो मिट्टी पाई जाती है वो है काली मटियारा दोमट मिट्टी पाई जाती है, याद रखना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी है वो आपका सही आंसर है। काली मिट्टी वैसे आप जानते हैं कि ये कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, हाड़ोती वाले क्षेत्र में ज़्यादा है। पन्नालाल शाह का तालाब है झुंझुनू में, तो ये क्वेश्चन ये हो गया, पन्नालाल शाह का तालाब कहाँ पर है? झुंझुनू में। झुंझुनू में कहाँ पर? खेतड़ी में। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये तालाब आपको याद होना चाहिए, ये वही है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी आए थे ना, उस समय वहाँ के राजा हुआ करते थे अजीत सिंह जी, ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी आए थे, वो इसी तालाब के किनारे, पन्नालाल शाह तालाब के किनारे जो है उन्होंने ठहरे थे। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? एक बनास नदी है, पश्चिम बनास नदी है, तो पश्चिम बनास नदी है सिरोही में, ठीक है, क्या है? सिरोही में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक जगह सुनी होगी, नया सरवाड़ा, नया सनवाड़ा की पहाड़ियों से निकलती है सिरोही में। लूनी की वह सहायक नदी कौन सी है जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती? यानी लूनी नदी की जितनी भी सहायक नदी है ना, वो सारी की सारी अरावली से निकलती है, एक नदी नहीं निकलती। कौन सी? जोजरी नहीं निकलती। फिर कहाँ से निकलती है? नागौर से निकलती है। नागौर में एक जगह है पोंडलू, पोंडलू की पहाड़ियों से निकलती है। राजस्थान में की धातु नगरी किसे कहते हैं? नागौर को धातु नगरी कहते हैं। ओके, सोम नदी किसकी सहायक है? सोम माई जा का पड़ा हुआ है, किसकी? माही नदी की सहायक नदी है। राजस्थान में सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय भाग कौन सा है? सबसे नजदीक जो है वो कच्छ की खाड़ी है, सबसे नजदीक है कच्छ की खाड़ी, लगभग 225 किलोमीटर आ जाता है, ठीक है, अरब सागर बाद में 400 किलोमीटर के लगभग रह जाता है। ओके, भैंसों का एक रोग होता है चुरचुरिया रोग, लेकिन भैंस की कौन सी नस्ल में होता है? कितना प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, कौन सी नस्ल में? लंगड़ी नस्ल में ये पाया जाता है, चुरचुरिया रोग होता है, ठीक है। लंगड़ी यानी एक टांग, यानी इसमें पैर वगैरह है ना, सूज जाता है तो लंगड़ा हो जाता है। तो राइट आंसर क्या देगा? बी है वो आपका सही आंसर है। अगला कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी? यानी 10 सालों में 2001 से 2011 के बीच में कितनी दशकीय वृद्धि थी? 21.3 थी। बी आपका सही है। बनास नदी और छप्पन बेसिन किस भौतिक विभाग के लघु प्रदेश हैं? तो ये पूर्वी मैदानी भूभाग में आते हैं, पूर्वी मैदानी भूभाग में आते हैं। अरावली पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई कहाँ पर है? दक्षिणी पश्चिमी अरावली जो है सबसे ज्यादा ऊंचाई वाली है और सर्वाधिक चौड़ाई वाली भी है। रेगिस्तान और समुद्र तट पर भूरे भूरे रेत के टिल्ले, रेत के धोरे बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सेंड ड्यून कहते हैं। सी सही है।
ओके okay, किस जिले में गोचर भूमि का एरिया सबसे ज्यादा है? गोचर भूमि वैसे बाड़मेर वाले एरिया में ज्यादा आती है गोचर भूमि। राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी कहलाता है? तो डांग की रानी किसे कहते हैं? करौली को कहते हैं। राजस्थान का एक जिला जो घाटी में बसा हुआ है, चलो ये तो बता दोगे, अजमेर है। घाटी में कौन सा बसा हुआ है? अजमेर है। राजस्थान का अधिकांश भाग है वो किसके उत्तर में? तो कर्क रेखा के उत्तर में, क्योंकि कर्क रेखा जो है वो बांस डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, बाकी सारा पूरा राजस्थान ही उत्तर में आता है। बीजरा किसे कहते हैं? पान का खेत है वो, क्या कहलाता है? बीजरा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन है? सबसे बड़ा आता है कृषि जलवायु खंड कौन सा? आदशुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। राइट आंसर आपका दो है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जय समंद झील है। जय समंद झील का निर्माण करवाया था जय सिंह जी ने। कहां पर करवाया था? उदयपुर में। किस नदी का पानी रोकर? गोमती नदी का पानी रोकर करवाया था। इस झील को क्या कहते हैं? बेबर झील भी कहा जाता है। कितने टापू हैं? 7 टापू हैं। सबसे बड़े का नाम क्या है? बाबा का बागड़ा। सबसे छोटे का नाम क्या है? प्यारी। दो नहरें निकलती है, एक का नाम है श्यामपुरा और दूसरी नहर का नाम है भट्टा या भाट, कुछ भी कह दीजिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 सी है। बांकली बांध कहां पर बना है? बांकली बांध बांकली गांव में बना हुआ है, ठीक है, जालोर में है ये, ठीक है, सुकड़ी नदी पे है, दो है वो का सही है। और लास्ट क्वेश्चन, मरुस्थल में बुद्ध झील का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? काकने नदी या काकनी नदी या मसूरदी नदी कह दो। कितना प्यारा टेस्ट आज की, क्वेश्चन बड़े प्यारे थे। चलो बताओ स्कोर कितने सही किए एक्सिट में से, और बढ़िया लगा तो लाइक कर दो, शेयर भी कर दो दोस्तों के साथ में, कमेंट करके बता दो कितने सही किए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन पर ओके कर देना ताकि जब भी टेस्ट आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर, और एग्जाम नगरी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया तो गूगल प्ले पे जाओ भी और डाउनलोड कर लो। ये फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का लिंक है तो वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, तो मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू सो मच।